बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद कुरम बास नकवी 9 जेम सीलिंग की तरफ से आप नाज़रीन की खिदमत में फिर हाजिर, और उसी तरह आपके बार हर बार जिस तरह मैं एक नया विजन और नया इलम आप लोगों को देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुरान पाक की उस आयत की तस्वीर के मुताबिक कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो बात दलील से किया करो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दलील से कोई चीज़ जो है वो मैं समझा सकूँ। आप सब हजरात ये जानते हैं कि मेरा जेम स्टोन के ऊपर जो है उसकी जेम हीलिंग पर मैं काम करता हूं, और जेम हीलिंग के ऊपर ही मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं बहुत सारे स्टोन्स के लिए, क्योंकि इस वक्त बेशुमार लोग हैं जो जाली स्टोन्स बेच रहे हैं और हराम पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो मैं आपको अजबर करवाऊं, क्योंकि उसके अंदर जो मेन चीज आ रही है वो यही चीज आ रही है कि अगर आपने मुझसे अकीक तलब किया और मैंने आपको ओरिजिनल अकीक कहकर दिया और ओरिजिनल अकीक नहीं दिया, तो वो दर हकीकत मैंने जुल्म किया आपके साथ, क्योंकि आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो हक हलाल के थे, लेकिन जो मैंने आपको चीज दी वो फेक थी, तो आपके पैसे मुझ पर हराम हो जाते हैं। और ये ईमान रखना कि राज़िक जो है वो अल्लाह ताला की जात है, तो हम अल्लाह ताला को राज़िक अगर मानते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम अपने कारोबार के साथ अपनी चीजों के साथ जो है वो इंतहाई मुखलिस रहें, अपने भाइयों के साथ मुखलिस रहें, क्योंकि अल्लाह जो है वो रोजी को देने वाला है, क्योंकि वो पाक परवरदिगार ये फरमाता है कि तुम इस दुकान को खोल लो अपनी और सामान सजा लो, तो जो तुम्हारे इख्तियार में था वो तुमने कर दिया, अब जो हमारे इख्तियार में है वो हम करेंगे, यानी रिस्क तुम्हारे पास भेजेंगे। तो मैं एक तो भाई आपसे ये कहना चाहूंगा कि आजकल चूंकि कोरोना की वबा है और बहुत ज्यादा इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स शेयर आ रही हैं वो सब प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कहानियां कि ये फेक चीज है, ये झूठी चीज है, ये गलत चीज है, ये ऐसे वैसे है, भाई अगर ऐसा होता तो इसके अंदर जो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इतनी अमवात दुनिया में ना हो रही होती, अमेरिका जैसा मुल्क उसके लिए आजिज ना होता। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बरगे सना मक्की को इसमें मुफीद कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको खजूर को इसमें मुफीद कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन तमाम साइंस एंड थ्योरी के मुताबिक जो जितनी भी मेडिकल साइंस है वो ये चीज साबित कर रही है कि जिन लोगों के ये कोरोना उन लोगों पर असरअंदाज हो रहा है जिन लोगों के जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, उनकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, तो जिन लोगों की कुव्वत मुदाफियत कमजोर है वो लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम के अंदर शिकार रहेंगे, और इस प्रॉब्लम का जो है अगर उनको कोरोना खुदा ना खास्ता हो जाता है तो उस कोरोना की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही एक चीज है जो कि आपके जिस्म को सेफ रख सकता है, आपको बचा सकता है। अब इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्यून सिस्टम को पावरफुल करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, कैल्शियम को यूटिलाइज किया जाता है बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए, तो मैं आज आपको स्टोन्स के अंदर एक बेहतरीन स्टोन जिसके बारे में अहदीस भी बहुत ज्यादा हैं और फिरोजे के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये फिरोजा जिसको के टर्क्वाइज कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और ये बहुत सारे ममालिक में पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में जो अहदीस हैं वो ये हैं कि वो ये कहती हैं कि अगर कोई शख्स के हाथ में अकीक और फिरोजे की अंगूठी हो तो वो दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी दुआएं इंतहाई मुस्तजाब की जाती हैं, और उसके साथ ही ये भी हदीस शरीफ फरमाई जाती है कि फिरोजा पहनो कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, नुसरत के लिए, फतह याबी के लिए, बे औलादी से बचने के लिए, यहां तक कि अगर कोई शख्स बे औलाद है तो उसके लिए मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अज्जल फरजहुम, उनकी एक बाकायदा रवायत है कि उनके पास एक शख्स गया और उसने जाकर कहा कि मौला मैंने महमूद इब्ने अहमद की बेटी से शादी की और मुझे उससे बहुत मोहब्बत और उल्फत थी, लेकिन उससे मेरी औलाद नहीं हुई तो मैं क्या करूं। मौला मुस्कुराए और फरमाया कि एक अंगूठी फिरोजे की ले लो, उसके ऊपर रब्बे ला तुज़रनी फ़र्दा तख़र वारिसीन खुदवा लो और पहन लो। उस शख्स ने ऐसे ही किया और एक साल ना गुजरने पाया कि उसके घर में औलाद हुई, और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने जब इस हदीस को पढ़ा और मैंने बहुत सारे लोगों को दिया तो वहां से मेरा माइंड चेंज हुआ और मैंने पत्थरों को सिंपली एज ए साइंटिफिक तरीके से मैंने यूटिलाइज किया, बुर्ज और सितारों के साथ नहीं, आपकी तबीयत के साथ कि आपकी तबीयत कैसी और किस तबीयत के साथ कौन से कलर का फिरोजा पहनना चाहिए। कुछ लोग आतिश मिजाज होते हैं, कुछ मोतदिल मिजाज होते हैं, कुछ जो हैं वो गर्म मिजाज होते हैं, सर्द मिजाज होते हैं, तो इनके मिजाज को देखते हुए
फिरोजे का कलर तब्दील किया जाता है, फिरोजे की क्वालिटी तब्दील की जाती है, फिरोजे की पोटेंसी तब्दील की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चों की पोटेंसी मेडिसिन में और होती है, बड़ों की और होती है, उसी हिसाब से पत्थरों की पोटेंसी भी तब्दील की जाती है। मेरा यह दावा है कि दुनिया का हर पत्थर दुनिया का हर शख्स पहन सकता है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त उसकी जरूरत महसूस करे। बिल्कुल ऐसा मेडिकल स्टोर की तरह, कि एक मेडिकल स्टोर पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन आप वहां से वही दवा जाकर लेते हैं जो कि दवा आपको सूटेबल या आपकी बीमारी के अंदर शिफा याब होती है, शिफा करती है। जैसे हर पत्थर का मकासद बहुत सारे हैं। अकीक जो है नजरबंद के लिए, हसद से बचने के लिए, मोतदिल रहने के लिए फरमाया गया। अब अकीक की कलर वेरिएशन जो मुख्तलिफ है, लेकिन बात आ जा रही है फिरोजे के ऊपर। फिरोजा बेसिकली कम्बिनेशन है जो इसकी आप साइंसी आप इस लाइज की यूज करेंगे तो ये हाइड्रेट कॉपर एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और कॉपर एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब होने का इसके अंदर जो है एल्युमिनियम भी है, ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड है और कॉपर भी है। आप इसको आप यूटिलाइज करें, देखें इसके अंदर कॉपर की जिसके अंदर मिकदार ज्यादा होगी वही फिरोजा आपके इम्यून सिस्टम को इंतहाई पावरफुल करने वाला होगा। किस फिरोजे में अब कॉपर की तादाद ज्यादा होती है, अब अगर आप मार्केट में जाएं तो ये इस तरह के फिरोजे आप देख सकते हैं, ये फिरोजे जिनकी बैक पर ये लाख लगी हुई है, ये फिरोजे, ये सबके सर जो है ये आर्टिफिशियल है और मेक किए गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये फिरोजा भी जो है ये आर्टिफिशियल है, मेक किया गया। इनकी पहचान मेरा अगर आप प्रोग्राम देखेंगे उसके अंदर, कि जिसके अंदर मैंने फिरोजे की शरायत बताई है, फिरोजे को परखने के तरीके बताए हैं नाइन जेम्स हीलिंग के ऊपर, इनके साथ इनकी जड़ें भी बनाई गई हैं, इनका सब कुछ बनाया गया, ठीक है। और ये ऊपर से बनाई शेप भी इनकी ऐसी दी गई है कि बंदा कहता है कि इन जैसा ओरिजिनल फिरोजा कोई और हो ही नहीं सकता। अब ये जिन फिरोजों के पीछे लाख लगी हुई होती है, एक बात याद रखिएगा, ये मैक्सिमम फिरोजों के पीछे लाख जो है वो नकली के पीछे लगी होती है, और ये लाख और ये फिरोजे जितने भी हैं ये जाली मेक किए जा रहे हैं, जाली बनाए जा रहे हैं। और चूंकि लोगों को पता ही नहीं है कि असल फिरोजा क्या होता है, तो वो इन मेक किए हुए फिरोजों को अगले के बंदे पर एतबार करके ले लेते हैं। तो मैं आपको मेरी वो फिरोजे वाली वीडियो जो यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें तमाम फिरोजों की निशानियां भी बताई हैं और ये भी बताया कि आप फिरोजे को परख कैसे सकते हैं, खालिस फिरोजों को कैसे परख सकते हैं। अब मैं आपके सामने ये फिरोजा रख रहा हूं, ये कॉपर एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला फिरोजा है, प्योर किस्म का। और इसको जनाब इसकी ये है कि इसको आप पहनेंगे, ये 1 वीक के अंदर अंदर अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा, ये ग्रीनिश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कॉपर जिस भी फिरोजे में होगा उसकी ये खासियत होगी कि वो कॉपर जो है वो आपके असाब को बिनथा मजबूत करता है। अगर आप किसी भी अभी हुक्मा के पास चले जाएं, हकीमों के पास चले जाएं, तो वो जो तला बनाते हैं, जो मर्दाना ताकत के लिए चीजें बनाते हैं, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो प्योर कॉपर शामिल किया जाता है, कॉपर का नुस्खा जो है इसको यूटिलाइज किया जाता है। और इसको फिरोजे के अंदर कॉपर की मिकदार अगर ज्यादा हो तो ये ग्रीनिश की तरफ चला जाता है, और फिरोजा जब ग्रीनिश की तरफ जाता है तो ये इसकी निशानी होती है कि इसमें कॉपर की मिकदार काफी ज्यादा है। अब फिरोजे को परखने का और लेने का, यहां तो दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो जाली फिरोजे बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी शख्स ये दावा करके बेचे तो उससे ये कहकर खरीदें कि अगर ये तुम्हारा फिरोजा ग्रीन ना हुआ, और अगर कोई शख्स कहे कि ये पहले से ग्रीन शुदा मैं फिरोजा आपको दे रहा हूं, तो वो फिरोजा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूज हुआ हुआ फिरोजा होता है मैक्सिमम टाइम, और बहुत कम है शाजो नाजर है कि यूज हुआ ना हो। अगर यूज हुआ नहीं है तो उसको चेक कर लीजिए, उस पर निशानात कोई भी चीज ना हो तो ग्रीन फिरोजा लें। ग्रीन फिरोजे के अंदर भी बहुत सारी नकलें आ चुकी हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, ऐसी ऐसी नकल है कि आप सोच नहीं सकते। हमेशा ऐसे शख्स से लीजिए जो बाएतमाद हो, जिस पर आपको एतमाद हो सके, आप उससे फिरोजा लीजिए। मैं ये फिरोजा इसके बारे में मैं गारंटी देता हूं, बल्कि मैं बहुत सारे लोगों के इसमें कमेंट्स भी शामिल करूंगा कि मैं ये बताऊंगा कि हाँ जी, कि कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझसे ये फिरोजा लिया उनका कितने दिनों में ये फिरोजा सब्ज हो गया। जो शख्स भी इस फिरोजे को लेगा, क्योंकि इसमें कॉपर की मिकदार ज्यादा है, इम्यून सिस्टम को ये इंतहाई स्ट्रांग कर देगा, आपके आपकी बोन मैरो को स्ट्रांग कर देगा, आपके असाब को मजबूत कर देगा, आपके न्यूरॉन सिस्टम को इंतहाई पावरफुल कर देगा, आपके असाब को बेपना मजबूती दे देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंतहाई हाई कर देगा। जब ये चीजें ये फिरोजे का काम है। अब फिरोजा चूंकि बेसिकली गर्म है और ये बहुत सारे लोगों को हाइपर भी करता है, इससे पहनने से गुस्सा भी आता है, तो वो तमाम लोग पहले मुझसे कंसर्न कर लें तो मैं उनको ये बता दूंगा कि इस फिरोजे के साथ किस कलर का वो अकीक पहने तो वो इस फिरोजे को यूटिलाइज कर सकते हैं, और कितना बड़ा या कितनी मिकदार में फिरोजा होगा तो वो उसके लिए बेनिफिट होगा। इन फिरोजों की मिकदार और अकीक का कलर बेस्ट कॉम्बिनेशन जब तक पता ना हो उस वक्त तक आप इसको यूटिलाइज करते नहीं, आपको बेनिफिट नहीं देगा।
या एक नीम हकीम के आप हत्थे चढ़ जाएं जो कि पत्थरों के बारे में कुछ नहीं जानता और वो पत्थरों के बारे में बकवासात शुरू कर दे और आपको बहुत सारी चीजें बताता रहे, तो वो चीजें बिल्कुल फेक हैं, झूठी हैं। आपका बुर्ज ये है, आपका सितारा ये है, आपका ये है, आप फलां सितारे के गुलाम हैं, आप फलां देवी देवता के गुलाम हैं, आपका बुर्ज ये है, ये चीजें सब रबिश हैं। मैं तमाम अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि इल्मे नजूम के मुतालिक अहादीस मौजूद हैं कि इल्मे नजूम के बारे में कहा गया कि कोई शख्स अगर नजूमी के पास जाए या उसकी बात पर यकीन करे, उसके लिए लाजिम है कि वो रब बारी ताला की इबादत छोड़ दे और अपनी बात के लिए कोई और रब तलाश करे, क्योंकि नजूमी हुक्म में मिसले काहिन के है, काहिन मिसले साहिर के है और साहिल मिसले काफिर के है और काफिर का ठिकाना जहन्नम है। कोई शख्स अगर ये भी पूछने के लिए चला जाए कि मेरा बुर्ज क्या है, मेरा सितारा क्या बनता है, तो इन बुर्जों और सितारों के जरिए जो भी आप चीज पता करेंगे वो भी नजूम के ही जुमरे में आती है। याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी दो मुख्तलिफ इलम है। एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली तौर पर शिर्क और कुफर है, जिससे मौला ने मना किया है, और एस्ट्रोनॉमी जिसको इल्म फलकियात कहा जाता है, ये बकायदा इल्म है और उसके हासिल करने का हुक्म दिया गया है। मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने नजूमियों के बहुत सारे पोल खोले हैं, इनके झूठों के पोल खोले हैं, तो उसको आप जरूर एमेज कीजिएगा। फिरोजा आपकी सेहत के लिए, आपके आसाब की मजबूती के लिए, आपके न्यूरॉन सिस्टम की मजबूती के लिए, आपके इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए बहुत अक्सर चीज है। इसको आप एक बार यूटिलाइज कर लीजिए, आप इंशाल्लाह ताला आप दुआ देंगे कि किसी ने कोई ये बात बताई थी। बाकायदा अहादीसों में इसका जिक्र मौजूद है, इम्यून सिस्टम के बारे में भी, आसाब के बारे में भी, और ये अहादीसें और ताकत और इसके बारे में भी। आप जो भी मुझसे रेफरेंस लेना चाहें, मैं इसके साथ ही वो रेफरेंस भी आपको पेश करूंगा और इसके साथ बुक रेफरेंस भी मैं आपको पेश करूंगा, वो आपको साथ साथ मिलेंगे ताकि आप देख सकें, परख सकें कि मैं ये बातें सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। हर शख्स को परखिए जरूर एक बार, ताकि आपको पता चले कौन सा शख्स सच बोल रहा है, कौन सा शख्स झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया अकीक जाली कैसे साबित होते हैं, किस तरह किए जा सकते हैं, जमुर्द जाली कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, या नीलम जो जाली दिए जा रहे हैं, या याकूत जाली दिए जा रहे हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, मेरे बहुत सारे अखबारात के कॉलम्स आपके सामने मौजूद हैं, मेरे बिश्मा टीवी प्रोग्राम्स आपके सामने मौजूद हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। हमारी बाकायदा नाइन जेम्स हीलिंग हमारी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, और इसके साथ हमारे जो है रजिस्टर्ड इदारा है, रजिस्टर्ड फर्म है, रजिस्टर्ड लैब है हमारी, और रजिस्टर्ड लैब जो है उसके अंदर से हम तमाम के तमाम सोन रजिस्टर्ड किस्म करवाते हैं और उसके बाद आपको भेजते हैं, क्योंकि सर्टिफाइड स्टोन जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते। हम गारंटी देते हैं कि हमारा दिया हुआ पत्थर अगर गलत साबित हो, जाली साबित हो, तो हम आपकी लैब रिपोर्ट की कीमत के साथ 10% जुर्माना भी आपको अदा करेंगे, दुनिया की कोई भी लैब हमारे स्टोन को अगर जाली साबित कर दे तो। ये हमारा दावा एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ते नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, हमारा दावा ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ है। इस कंपनी का लाइफ टाइम गारंटी के साथ हम आपको तमाम स्टोन प्रोवाइड करते हैं। आप इल्मे जफर के जरिए अपना हिसाब करवाइए कि कौन सा स्टोन आपके लिए बेहतर है, आपकी तबीयत के लिए बेहतर, आपकी नेचर के लिए बेहतर है, आपको हाइपरटेंशन से बचा सकता है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, आपकी बीमारियों को कम कर सकता है, आपकी छुपी हुई सलाहियतों को बढ़ा सकता है, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म कर सकता है। आप अपनी खामियों को कैसे खत्म कर सकते हैं, आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। एक बार आप पर पूछना लाजिम है और हम पर बताना वाजिब है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारा नाइन जेम्स हीलिंग इदारा और इसमें जितने भी स्टोन्स हैं हम आपको लाइफ टाइम गारंटी के साथ पहुंचा रहे हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप नाइन जेम्स हीलिंग हमारा हर जगह पर नाइन जेम्स हीलिंग जो है, नाइन जेम्स हीलिंग फेसबुक है, लेकिन नौ आपने ऐसे लिखना है जैसे मैथमेटिकली नाइन लिखा जाता है और उसके बाद हीलिंग, मेरा नीचे वेबसाइट और हर चीज आ रही है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। नाइन जेम्स हीलिंग फेसबुक है, नाइन जेम्स हीलिंग मेरा जो है वो पेज है, नाइन जेम्स हीलिंग मेरी वेबसाइट है, नाइन जेम्स हीलिंग मेरा जो है वो टिकटॉक है, नाइन जेम्स हीलिंग जो है वो मेरा इंस्टाग्राम है, ये सब के सब मेरे नाइन जेम्स हीलिंग के साथ है। आप कहीं से भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं आखिर में यही चाहूंगा कि इस कोरोना की वबा से तमाम लोग सेहत याब हो सकें। आपके सामने सैयद खुर्रम अब्बास नकवी, नाइन जेम्स हीलिंग की तरफ से, वमा अलैना इल्लल वला।